देवशयनी एकादशी का अर्थ कथा एवं महत्व। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवश एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी अषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, के बाद आती है। अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देव देवशयनी एकादशी, महा एकादशी, थोली एकादशी, हरि देवशयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, अषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा को इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा, फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। महर्षि अंगिरा ने बताया, अषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।